खबरनामा के प्रायोजक हैं मेरा सिनेमास, पहली मंजिल, पेंगुइन 4, हरदोई रोड, सीतापुर। अब आपके शहर सीतापुर में खुल गया है मिराज सिनेमास। पीवीआर जैसा मजा मिराज सिनेमास में। 3 बड़ी स्क्रीन, बेस्ट इन क्लास साउंड, आरामदायक रिक्लाइंड सीट्स व 3D मूवीज का भी उठाए लुत्फ। रोजाना 5 शोज। पहली मंजिल, पेंगुइन 4, हरदोई रोड, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया में बबीता सिंह और दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर में पराली नहीं बनेगी समस्या, बिस्वा के उत्थान में लगेगा बायोगैस प्लांट, सीएम ने किया शिलान्यास। और बात होगी सीतापुर के सभी थानों पर आयोजित हुआ संपूर्ण समाधान दिवस। फिर बात करेंगे खैराबाद नगर पालिका की शोभा यात्रा को यूपी के ऊर्जा मंत्री ने सराहा, फेसबुक पर किया शेयर। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे यूपी में अखिलेश यादव ने कांग्रेस को दी 11 सीटें, कांग्रेस में पसरा सन्नाटा। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। तीर्थ नगरी नैमिषारण की झांकी ने सीतापुर को किया गौरवान्वित। समूचे लहरपुर तहसील क्षेत्र में 28 जनवरी को बिजली रहेगी गुल। सीतापुर में 28 जनवरी को सुभाषपा की रैली को संबोधित करेंगे पार्टी प्रमुख ओपी राजभर। लेखपाल पद के 162 चयनित अभ्यर्थियों को सीतापुर की तहसीलों में मिली तैनाती। लखीमपुर में समाज कल्याण विभाग 29 जनवरी को आयोजित करेगा सामूहिक विवाह समारोह। लखीमपुर में यूपी दिवस के समापन पर लगी पुरस्कारों की झड़ी, विधायक ने डीएम सीडीओ को सराहा। अखिलेश यादव ने और देरी नहीं करने की कांग्रेस को दी नसीहत। बिजली विभाग का जेई और लाइनमैन रिश्वत लेते गिरफ्तार। खबरों की शुरुआत हम जनपद सीतापुर की खबरों से करेंगे। बीते काफी समय से पर्यावरण प्रदूषण को लेकर पराली प्रबंधन खासी चर्चा में रहा है। अब सरकार कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का विकल्प लेकर मैदान में उतरी है। इन प्लांटों के जरिए पराली का निदान किया जाएगा। शनिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बदायूं जिले में बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया। इसी तरह का एक प्लांट सीतापुर में बिस्वा तहसील के सीउथान में स्थापित किया जाएगा। करीब 96 करोड़ रुपए के लागत से बनने वाले इस प्लांट का सीएम ने वर्चुअल शिलान्यास किया। इसे लेकर सीतापुर कलेक्ट्रेट में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें उज्ज्वला और अंत्योदय योजना के लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। कार्यक्रम में नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर, गुरु सेवता विधायक ज्ञान तिवारी, डीएम अनुज सिंह, डीडीओ हरिश्चंद प्रजापति और उद्योग उपायुक्त आशीष गुप्ता सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर नगर के कटेहली बाग निवासी दीपक गुप्ता ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। दीपक गुप्ता को लखनऊ के भाषा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में PhD की उपाधि से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह उपाधि यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 8वें दीक्षांत समारोह में प्रदान की। दीपक गुप्ता ने वाणिज्य विषय में शोध कार्य किया है। लहरपुर के अकेशनपुर स्थित MTI स्कूल में गणतंत्र दिवस पर विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के मीडिया प्रभारी महफूज खान ने विद्यार्थियों को बैग व पुरस्कार वितरित किया। कार्यक्रम में विद्यालय मैनेजर मोहम्मद नौसाद, मोहम्मद अरशद, मोहम्मद असद, सहनवाज खान, आदिल नजमुल हसन, डॉक्टर राहुल भारती, फरहान खान, अली आजम, मौलाना वसी अहमद, आकाश वर्मा, मोहम्मद शमीम, मोहम्मद इरशाद और सादाब खान मौजूद रहे। गणतंत्र दिवस के मौके पर सीतापुर के राजा टोडरमल पार्क में राजा टोडरमल स्मारक समिति और राजस्व सुरक्षा सेवा दल के संस्थापक संजय पुरी ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष शिवनाथ मिश्रा, संतोष कुमार राव, खिलाड़ी शाह, अंकित जायसवाल और जितेंद्र कुमार मौजूद रहे। भारतीय हिंदू परिषद छात्र संघ के संस्थापक पावनेश जी महाराज ने गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण किया। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले छात्र छात्राओं को संघ अध्यक्ष अनुवाद विक्रम सिंह ने पुरस्कृत किया। इंस्टीट्यूशन ऑफ नॉलेज एकेडमी में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान संत प्रकोष्ठ अध्यक्ष सुरेश चंद अवस्थी, गौरक्षा दल अध्यक्ष पारस अवस्थी, धनंजय मोदी, जितेंद्र वाजपेयी, रूपेश मिश्रा, डॉक्टर पीयूष सिंह, राहुल राज, सौरभ राजवंशी, कमल मिश्रा, अभिचल मिश्रा और राम सिंह मौजूद रहे।
गणतंत्र दिवस पर सीतापुर के जीआईसी कॉलेज से लालबाग शहीद स्मारक तक रैली निकाली गई। इस मौके पर छात्र छात्राओं ने स्वच्छता का संदेश दिया। कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को सम्मान और नुक्कड़ नाटक के प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। इस दौरान एसडीएम सदर ज्ञानेन्द्र द्विवेदी, नायब तहसीलदार महेंद्र तिवारी, सभासद प्रदीप गुप्ता, पूनम मिश्रा, दिनेश जायसवाल, संजय पुरी, प्रेम गुप्ता और सुनील टंडन मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अरुणेश मिश्रा ने की, जिसका संचालन रजनीश मिश्रा द्वारा किया गया। शनिवार को थाना समाधान दिवस के मौके पर डीएम अनुज सिंह और एसपी चक्रेश मिश्रा ने शहर कोतवाली में जनसुनवाई की। इस मौके पर आई शिकायतों को लेकर संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर प्रार्थना पत्रों के तत्काल और निष्पक्ष निस्तारण के निर्देश भी दिए। इसके बाद एसपी ने सीओ सिटी कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसपी ने अभिलेखों को व्यवस्थित तथा अपडेट रखने के निर्देश दिए। 22 जनवरी को अयोध्या में हो रहे प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में वैसे तो जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, लेकिन खैराबाद में पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता बबलू द्वारा आयोजित विशाल शोभा यात्रा सुर्खियां बनी थी। इसी के साथ नगर के भव्य सजावट भी लोगों को मन मोहने वाली रही थी। यूपी के ऊर्जा और नगर विकास राज्य मंत्री ए के शर्मा ने फेसबुक पर खैराबाद नगर की सजावट का वीडियो और वहां पर हुए कार्यक्रम को शेयर किया है। अभिषेक गुप्ता बबलू ने इस पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह सब जनता के प्यार और आशीर्वाद से संभव हुआ है, जिसके लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। गणतंत्र दिवस के मौके पर रामकोट के भाऊआपुर स्थित वीडी पब्लिक स्कूल में पत्रकार सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर रियासत अली सिद्दीकी, विशाल भारती, मोहम्मद तार बाबू, चंदन कश्यप, संतोष कुमार राव, जितेंद्र कुमार, मोहम्मद रियाज, मंगल प्रसाद और डॉक्टर देवी सहाय को विद्यालय प्रबंधक अमरेंद्र यादव द्वारा सम्मानित किया गया है। गणतंत्र दिवस पर सीतापुर के सांडा सकरण क्षेत्र में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए। ब्लॉक कार्यालय पर ब्लॉक प्रमुख मिथिलेश कुमारी और पूर्व प्रमुख कृष्ण कुमार वर्मा ने ध्वजारोहण किया। सांडा सीएससी पर डॉक्टर अनिल कुमार सचान और जीआईसी में प्रधानाचार्य जगत नारायण सिंह ने ध्वजारोहण किया। इसी के साथ क्षेत्र के बैंक और स्कूल सहित सभी सरकारी गैर सरकारी संस्थानों पर तिरंगा फहराया गया। इन कार्यक्रमों में ज्ञानेन्द्र सिंह, तुलसीराम, दिनेश यादव, आलम सुभाष वर्मा, पुतान सिंह, के शुक्ला, अखिलेश मिश्रा और राम खिलावन मौजूद रहे। तीर्थ नगरी नैमिषारण्य में सीतापुर की नगरी को गौरवान्वित किया गया है। दरअसल गणतंत्र दिवस पर राजधानी लखनऊ में झांकियों का प्रदर्शन किया गया था। इस दौरान पर्यटन विभाग द्वारा सीतापुर की तीर्थ नगरी नैमिषारण्य की झांकी प्रस्तुत की गई थी। इस झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकियों की सूची में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। सीतापुर में लहरपुर तहसील के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए यह खबर चेतावनी के समान है। 28 जनवरी को लहरपुर के 132 केवी सब स्टेशन पर मरम्मत कार्य किया जाएगा। सीतापुर के हुसैनगंज स्थित 220 केवी उपकेंद्र पर विद्युत पारेसर खंड के अधिशासी अभियंता डीसी दीक्षित ने बताया कि मरम्मत का यह कार्य सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक होना प्रस्तावित है। इसे लेकर इस अवधि में लहरपुर के ग्रामीण तथा नगर दोनों क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति आंशिक रूप से बाधित रहेगी। सीतापुर विधानसभा के भौवापुर में 28 जनवरी को सुहैल देव भारतीय समाज पार्टी की विशाल जनसभा का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम आयोजक सुनील राजवंशी ने बताया कि इस जनसभा को संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा संबोधित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के संबंध में जारी सूचना के मुताबिक श्री राजभर का 11 बजे सिधौली पहुंचने पर महमूदाबाद चौराहे पर स्वागत किया जाएगा। इसी तरह से मिश्रिक के बर्मी चौराहे पर 12 बजे स्वागत किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष 1 बजे भौवापुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद शाम 4:30 बजे उनके द्वारा सीतापुर स्थित महाराजा छीतापासी किले में प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। विश्वामित्र जेसीआई एलीट का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में जोन अध्यक्ष अश्विनी कुमार और विशिष्ट अतिथि के रूप में उपाध्यक्ष पल्लवी सिंह मौजूद रही। स्थापना अधिकारी पल्लवी सिंह ने नई कार्यकारिणी को शपथ दिलाई। वर्ष 2024 के लिए अजीत श्रीवास्तव को अध्यक्ष, आयुष्मान सिंह को सचिव, वंश मेहरोत्रा, वैभव अग्रवाल, वांछित शर्मा, रोहित भल्ला, सार्थक शुक्ला और पंकज माधवानी को उपाध्यक्ष, अंकित बंसल को कोषाध्यक्ष तथा अर्चना श्रीवास्तव को चेयरपर्सन चुना गया है। इस दौरान वर्ष 2023 के अध्यक्ष राजन अग्रवाल ने वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस मौके पर हिमांशु नाथ सिंह, उमंग राजवंशी, मुदित सिंघम, रूपम कपूर, ऋतु सिंह, अंजलि राजवंशी और अंजलि बंसल मौजूद रही। बिस्वा के मोहल्ला सेठगंज में नवनिर्मित श्री सौभाग्यम रिजॉर्ट का लोकार्पण किया गया। नगर के प्रमुख व्यवसायी मोहित जायसवाल द्वारा करवाए गए इस रिजॉर्ट का उद्घाटन नोएडा के इनकम टैक्स कमिश्नर के जायसवाल की पत्नी विप्रा जायसवाल ने किया। विप्रा जायसवाल यूपी के प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद की पत्नी पूजा जायसवाल की बड़ी बहन है।
रिजॉर्ट मालिक मोहित जायसवाल ने बताया कि यहां पर प्रकृति के साथ आधुनिक सुख सुविधाओं का भी खास ख्याल रखा गया है। इस मौके पर पूर्व सीएम बाबू बनारसी दास के पौत्र अंकित दास तथा उनकी बहन रूपाली दास, एसडीएम मनीष कुमार, पूर्व एमएलसी राकेश सिंह, कदनी स्टेट के शरद चौधरी, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर पंकज सिंह गौर, कसमंडा स्टेट के कुंवर दिनकर प्रताप सिंह, हरदोई की माधवगंज नगर पंचायत के चेयरमैन अनुराग मिश्रा, नैमिष के ललिता देवी मंदिर के प्रधान पुजारी लाल बिहारी शास्त्री, जिला कृषि अधिकारी मंजीत सिंह, नीरज श्रीवास्तव, अरविंद मिश्रा, अभिषेक सिंह और वैभव दीक्षित मौजूद रहे। कसमंडा में बीआरसी पर प्रधानाध्यापकों की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता करते हुए बीओ संतोष कुमार मिश्रा ने विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। बैठक में एआरपी हिमांशु शुक्ला और नीलम वर्मा मौजूद रहे। तीर्थनगरी नैमिष में दरोगा बाबा आश्रम के निकट स्थित रघुवीर आश्रम और राम जानकी मंदिर में मनमोहन दास को नया महंत घोषित किया गया है। उन्हें महंत परशुराम दास के स्थान पर चुना गया है। इस मौके पर मौजूद महंतों ने उनकी चादर पोशी की और अखंड रामायण पाठ किया। परंपरा के अनुसार 84 कोसी परिक्रमा समित अध्यक्ष नारायण दास बनगढ़ आश्रम महंत संतोष दास खाकी, परिक्रमा समित प्रभारी महंत बालक राम दास, महंत शिवराम दास, महंत माधव दास और महंत राजू दास ने चादर पोशी की। कमलापुर थाना परिसर के समाधान दिवस की अध्यक्षता एसडीएम सिधौली अनिल कुमार ने की। इस मौके पर कुल 13 शिकायतें आई जिनका निस्तारण मौके पर भेजा गया। इस दौरान थाना प्रभारी कृष्ण बलि सिंह, कस्बा इंचार्ज टीबी सिंह, महिला आरक्षी सीमा, आरक्षी अजय कुमार, राजस्व निरीक्षक सदानंद वर्मा, लेखपाल मनमोहन कटियार, पवन राय, ममता सिंह, अभिषेक दीक्षित, मुकेश अवस्थी और आशीष श्रीवास्तव मौजूद रहे। स्वर्ण स्वाभिमान संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष प्रभाकर सिंह चौहान ने अपनी टीम सहित सीतापुर के एलिया ब्लॉक का दौरा कर स्वर्ण समाज से एकजुट होने का आह्वान किया है। इस दौरे का संचालन महेश उपाध्यक्ष अमरेश सिंह चौहान और ब्लॉक प्रभारी धीरेन्द्र कुमार सिंह ने किया। इस मौके पर गोहरैया, जगदीशपुर, बेनीपुर, टिकरा, कला सरेली, हथिया, सलेमपुर, शहादत नगर, भेखा सहित कई गांवों का भ्रमण कर लोगों से संवाद किया गया। इस दौरान उपाध्यक्ष नंद किशोर शुक्ला, अनु सिंह चौहान और मुनेश्वर सिंह मौजूद रहे। सीतापुर के सिधौली में ब्लॉक प्रमुख रामबक्स रावत और वीडियो संदीप कुमार के बीच खटपट बढ़ती जा रही है। गणतंत्र दिवस समारोह के मौके पर ब्लॉक के कार्यक्रम में वीडियो गैर हाजिर रहे थे। इसके बाद शनिवार को भी वह बैठक में नहीं शामिल हुए। वीडियो और जेई के न शामिल होने पर ब्लॉक प्रमुख ने गहरी नाराजगी व्यक्त की है। दरअसल शनिवार को सिधौली क्षेत्र पंचायत की बैठक आयोजित की गई थी। इसमें विभिन्न विकास के कार्यों के प्रस्ताव किए जाने थे, लेकिन वीडियो और जेई की गैर मौजूदगी में बैठक बेनतीजा खत्म हो गई। बैठक में 70 क्षेत्र पंचायत सदस्यों सहित एडीओ दयाराम भारतीय और सिंहपुर प्रधान रोहित सिंह मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। अब आपके शहर सीतापुर में खुल गया है मिराज सिनेमाज। पीवीआर जैसा मजा मिराज सिनेमाज में। 3 बड़ी स्क्रीन, बेस्ट इन क्लास साउंड, आरामदायक रिक्लाइन सीट्स व 3D मूवीज का भी उठाए लुत्फ। रोजाना 5 शोज, पहली मंजिल पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। 26 जनवरी को तिरंगा ट्रैक्टर रैली निकाले जाने पर पुलिस द्वारा रोक दिए जाने से नाखुश किसानों ने सीतापुर के थाना इमलिया सुल्तानपुर पर धरना प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचे सीओ महोली ने धरना दे रहे भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के किसानों को 26 जनवरी का हवाला देते हुए समझाने का प्रयास किया। इसके बाद 8 फरवरी को एलिया ब्लॉक से सीतापुर तक ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा निकालने का मांग पत्र देने के बाद धरना समाप्त कर दिया गया। इस मौके पर प्रदेश महामंत्री श्यामू शुक्ला, जिला अध्यक्ष रामदास यादव, मध्यांचल अध्यक्ष हाजी मोहम्मद रिजवान, राम प्रकाश सिंह, मयंक सिंह और गुरमीत सिंह मौजूद रहे। सीतापुर के युवा अधिवक्ता राजेंद्र कुमार गौर को यूपी कांग्रेस में सोशल आउटरीच प्रकोष्ठ का प्रदेश महासचिव बनाया गया है। इसी के साथ सीतापुर के ही शैलेंद्र त्रिपाठी को प्रदेश उपाध्यक्ष और अशोक बघेल को सीतापुर जिला अध्यक्ष बनाया गया है। राजेंद्र कुमार गौर की नियुक्ति को लेकर तमाम कांग्रेस जनों ने हर्ष व्यक्त किया है। हनुमान प्रसाद गौर, रामजी गौर, पवन कश्यप जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी, नगर अध्यक्ष संतोष भार्गव, रमेश निषाद, आशुतोष वाजपेयी, केडी आजाद और पुष्पेंद्र सिंह चौहान, तमाम लोगों ने राजेंद्र कुमार गौड़ को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची के मुताबिक राजस्व लेखपाल पद के चयनित अभ्यर्थियों को सीतापुर डीएम अनु सिंह ने विभिन्न तहसीलों में तैनाती का आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक यह तैनाती अस्थायी होगी और 9 चयनित लेखपालों के प्रशिक्षण संबंधी दिशा निर्देश
अलग से जारी किए जाएंगे। इस आदेश के मुताबिक कुल 162 लेखपालों को तैनाती दी गई है। इसमें महोली और महमूदाबाद में 18-18, सीतापुर और सिधौली में 23-23, मिश्रिख में 22, लहरपुर में 28 और बिस्वा में 30 को तैनाती दी गई है। इस आदेश में किसको किस तहसील में तैनाती मिली है, यह विस्तार से जानने के लिए आप अपना चैनल आई इंडिया सर्च कर सकते हैं। सीतापुर में एक बार फिर नगर पालिका ने अवैध कब्जे पर बुलडोजर की कार्रवाई की है। शहर के लाल कुर्ती में मुमताज पुत्र हबीब और उनके दो भाई कटन्ने तथा असलम ने करीब 50 वर्ष से नगर पालिका की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था। यह लोग जमीन पर निवास करने के साथ अवैध रूप से डेयरी संचालन कर रहे थे। पूर्व में दो बार इनका अवैध कब्जा हटाया जा चुका था, लेकिन इनके द्वारा फिर कब्जा कर लिया गया। इसे देखते हुए शनिवार को नगर पालिका ने बुलडोजर के जरिए अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया। अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन कर बहराइच के रास्ते लौट रहे राष्ट्रीय बजरंग दल के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया का सीतापुर के रेवसा चौराहे पर स्वागत किया गया। इस मौके पर भाजपा नेता ब्रजेश मिश्रा, आशीष श्रीवास्तव, रामलखन रस्तोगी, जिला अध्यक्ष संदीप अवस्थी, पंकज अवस्थी, संतोष गिरी और पुनीत सोनी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के चंदेल ग्रुप की सीतापुर जिला इकाई का वार्षिक निर्वाचन संपन्न हुआ। इस मौके पर संघ के प्रांतीय प्रतिनिधि रजनीश चंद मिश्रा पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद रहे। वार्षिक निर्वाचन में जिले के 83 माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक प्रतिनिधियों ने मताधिकार का प्रयोग कर नई कार्यकारिणी का चुनाव किया। इस मौके पर प्रांतीय उपाध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार तिवारी, राम नरेश यादव, वृंदा रघुनाथ मिश्रा, अनिल कुमार सिंह, अशोक कुमार शुक्ला और धीरेन्द्र कुमार शुक्ला मौजूद रहे। इस निर्वाचन में कुल कितने मत पड़े और किसने इस पद पर सफलता पाई, इसे विस्तार से जानने के लिए आप अपना चैनल आई इंडिया देख सकते हैं। लहरपुर तहसील के खपूरा स्थित HMS कॉन्वेंट स्कूल में वार्षिक उत्सव आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षक तथा पत्रकार अरुण कुमार सिंह आचार्य ने की और मुख्य अतिथि के रूप में कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही मौजूद रहे। कार्यक्रम संचालन छात्रा प्राची तिवारी और समीक्षा ने किया। विद्यालय प्रबंधक मोहम्मद रजी अंसारी ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान करने वालों को सम्मानित किया। मुख्य अतिथि ने विभिन्न कक्षाओं के मेधावियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में मोहम्मद जकी अंसारी, नसीमुद्दीन अंसारी, प्रधान राम प्रकाश वर्मा, ZR रहमानी, मोहम्मद हासिम अंसारी, संजय शुक्ला और दिनेश पटेल मौजूद रहे। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। शनिवार को लखीमपुर के सभी थानों पर समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान DM महेंद्र बहादुर सिंह, SP गणेश प्रसाद साहा ने सदर कोतवाली और थाना फरदान में जन सुनवाई की। इस मौके पर थाना फरदान में DM ने कहा कि राजस्व पुलिस से संबंधित शिकायतों का निस्तारण आपसी सामंजस्य से सुनिश्चित कराया जाए। इसमें किसी भी स्तर पर हीला हवाली क्षम्य नहीं होगी। इस मौके पर SDM सदर सिद्धा सिंह और शहर कोतवाली के निरीक्षक अंबर सिंह मौजूद रहे। लखीमपुर में समाज कल्याण विभाग द्वारा GIC मैदान पर 29 जनवरी को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया जाएगा। इस दौरान 1038 गरीब बेटियों का विवाह कराए जाने की योजना है। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिस्टेनी व अन्य जनप्रतिनिधि सहित जिला अधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह और उनकी टीम मौजूद रहेगी। इस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर शनिवार को DM ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में जिला समाज कल्याण अधिकारी सुधांशु शेखर सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी और VDO मौजूद रहे। लखीमपुर में यूपी दिवस पर आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम का समापन हो गया है। अंतिम दिन कार्यक्रम में मौजूद सदर विधायक योगेश वर्मा, DM महेंद्र बहादुर सिंह और CDO अनिल कुमार सिंह ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर विधायक ने बेहतरीन आयोजन के लिए DM और CDO को सराहा। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृत पत्र दिए गए। इस दौरान गन्ना विभाग के स्टॉल ने पहला, उद्यान विभाग के स्टॉल ने दूसरा और बेसिक शिक्षा के स्टॉल ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। इसके लिए DCO वेद प्रकाश, DHO मृत्युंजय कुमार और BSA प्रवीण तिवारी को सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त सफल आयोजन के लिए DPRO सौम्य सील सिंह, BSA प्रवीण तिवारी, विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए DDO अरविंद कुमार, उपायुक्त संजय सिंह, DPO भारत प्रसाद को सम्मानित किया गया। लखीमपुर के GIC ग्राउंड पर आयोजित यूपी दिवस के समापन पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम के सफल आयोजन पर समाज कल्याण अधिकारी सुधांशु शेखर, सहकारिता कार्यक्रम के लिए ARCS रजनीश प्रताप सिंह, दीपिका वर्मा, रंजना वर्मा, विष्णु दत्त और सैयद मोहम्मद एजाज को सम्मानित किया गया। जिला खेल कार्यालय के विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागी महेश, कपिल, रोमिल, मुकर्रम, विनय, इमरान, सत्यम, कुलदीप, दिलीप, मुअज्जम खान, आयान बेग, विकास, अभिषेक, जितेंद्र, अपूर्वा सिंह, इरम सिद्दीकी, दीपांजलि, अखविंदर कौर, अंबिका सारंगा, जूही, प्रतिष्ठा देवी और रोली मित्रा आदि खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया।
गणतंत्र दिवस पर कथा कुंज साहित्य सेवा परिषद द्वारा आयोजित मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में लखीमपुर की उर्जिता गर्ग की प्रस्तुति को सर्वश्रेष्ठ रूप में सराहा गया। परिषद प्रवक्ता राममोहन गुप्ता ने बताया कि संस्था संस्थापक गोविंद गुप्ता, मुकेश कुमार और संयोजिका विनीता जायसवाल ने उर्जिता गर्ग को राष्ट्र रक्षक सम्मान प्रदान किया। उन्हें यह सम्मान मिलने पर पुष्कर श्रीवास्तव, सौरभ गुप्ता, विशाल सेठ, योगेश जोशी, पारुल गर्ग और सोनी गुप्ता ने हर्ष व्यक्त किया है। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत लखीमपुर के मितौली तहसील स्थित राजा लोने सिंह इंटर कॉलेज में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। विशिष्ट प्रतिभा प्रदर्शन के लिए छात्रा अदिति कैथवार, महिमा देवी, कहकशा, कोमल शर्मा, गुड़िया मोहनी, गुड़िया देवी, सगुन दीक्षित और गुलनाज बानो को SDM विनीत उपाध्याय और तहसीलदार प्रीति सिंह ने सम्मानित किया। इसी तरह निर्वाचन में बेहतरीन कार्य करने वाले लेखपाल राम गोविंद राणा, शिव कुमार सिंह, अनिल श्रीवास्तव, सुनील कुमार, राजकुमार और BLO राजेश कुमार, रेखा देवी, राम आसरे, अनिल कुमार, सुरबली व अमृत लाल को सम्मानित किया गया। लखीमपुर के ईसानगर ब्लॉक में समयसा गांव के स्वयं सहायता समूह की सदस्य पूनम देवी अपने पति प्रमोद कुमार और बेटे सहित केंद्र सरकार के बुलावे पर दिल्ली पहुंची। इस दौरान उन्होंने गणतंत्र दिवस परेड का नजारा देखा और अगले दिन सभी आमंत्रित अतिथियों के सम्मान कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के निवास पर पहुंचकर भोज में शामिल हुई। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने आमंत्रित अतिथियों को अंगवस्त्र भेंट किए। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने UP सहित 23 राज्यों के प्रभारी और सहायक प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। इस कड़ी में पार्टी के वरिष्ठ नेता बैजयंत पांडा को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। बैजयंत पांडा उड़ीसा से 4 बार सांसद रहे। इसके अलावा पार्टी संगठन में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, असम और दिल्ली के प्रभारी तथा भाजपा के महिला मोर्चा प्रभारी भी रह चुके हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा पूरी आक्रामक रणनीति के साथ चुनावी समर में कूद चुकी है। वहीं इंडिया गठबंधन में अभी भी असमंजस बना हुआ है। ऐसे में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कांग्रेस को और देरी नहीं करने की सलाह दी है। सपा प्रमुख ने कहा कि इंडिया गठबंधन को PDA ही रास्ता दिखाएगा, इसलिए गठबंधन में भी देरी नहीं होनी चाहिए। UP योगी सरकार के मंत्री राकेश सचान ने इंडिया गठबंधन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। मंत्री ने कहा कि इस गठबंधन के सारे दल सांपों की गठरी हैं, जो ज्यादा दिन तक नहीं चल सकते। सब देख रहे हैं कि किस तरह टूट टूट कर अलग हो रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि आने वाले चुनावों में यह सारे दल अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रुख ने प्रदेश की राजधानी पटना से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक सियासी पारे को चरम पर पहुंचा दिया है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस से नाराज नीतीश कुमार एक बबार फिर NDA का हिस्सा बनने जा रहे हैं। RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के फोन नीतीश कुमार द्वारा नहीं रिसीव करने से इन चर्चाओं को और बल मिल रहा है। ज्यादा सनसनी इस बात पर है कि नीतीश कुमार के JDU और लालू की RJD का रास्ता अलग होते ही मौजूदा सरकार गिर जाएगी, जिसके बदले में भाजपा के सहयोग से नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। इसे लेकर दो तरह की बातें चल रही हैं। पहली कि नीतीश कुमार ने ही पूरे देश में घूम घूम कर विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने के लिए बड़ी मशक्कत की थी। इसके बाद जब उनको इस गठबंधन का संयोजक नहीं बनाया गया, वह तभी से नाराज चल रहे थे। दूसरी तरफ इस राजनीतिक धमाके को PM नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। दोपहर में हल्की धूप निकलने के बाद भी UP में सर्दी का सितम लगातार जारी है। सुबह शाम से लेकर पूरी रात शीतलहर और कोहरा छाया रहता है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी 2-3 दिन ठंड इसी तरह से परेशान करती रहेगी। 29 जनवरी तक ऐसी ही मौसम रहने का अनुमान है। लखनऊ केंद्र के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार मंगलवार से मौसम में कुछ बदलाव आ सकता है। बिजली विभाग के जई और लाइनमैन को बरेली की एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दोनों पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर दिया गया है। दरअसल सुभाष नगर थाना क्षेत्र में के परमजीत सिंह ने जई सूरज लाल गुप्ता और लाइनमैन नरेंद्र सिंह पर 5,000 रुपये रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। उन्होंने इसकी शिकायत एंटी करप्शन टीम से की थी। इस पर टीम ने जाल बिछाकर जई और लाइनमैन को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी में भाजपा फुल एक्शन मोड में है। शनिवार को पार्टी के प्रदेश कार्यालय में लगातार 2 बड़ी बैठकों का आयोजन किया गया। बैठक समापन पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने लिए गए निर्णयों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि 4 फरवरी से 11 फरवरी तक गांव चलो अभियान चलाया जाएगा। इसी के साथ सभी शहरों में
बूथ के हिसाब से 24 घंटे के प्रवास तय किया गया है। इनमें सीएम, डिप्टी सीएम और सभी प्रभारी तथा पदाधिकारी 2,00,000 जगहों पर पहुंचेंगे। यूपी में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने वही किया जो उन्होंने बहुत पहले कह दिया था। सपा प्रमुख ने कहा था, हम इंडिया गठबंधन से सीटें मांग नहीं रहे बल्कि दे रहे हैं। इसी पर अमल करते हुए अखिलेश यादव ने लोकसभा की 11 सीटें कांग्रेस के देने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए यह जानकारी दी है। हालांकि कहा जा रहा है कि इस एकतरफा फैसले से कांग्रेस असहमत है। ऐसे में कांग्रेस की ओर से क्या बयान सामने आता है, इस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। यह था आज का खबरनामा, आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मिराज सिनेमास, पहली मंजिल पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर।